मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग कम से कम पेशेंस रखे। आप लोग के बेसब्री का बांध टूटने वाला था, कहीं ना कहीं वो नहीं टूटा और उससे पहले BHOPSC सेकेंड राउंड कट ऑफ ऑफिशियल 2024 लिस्ट आ चुका है। मैं डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स है, एलिमेंट्स है जो आपको आपको आपके सामने रखना चाहूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन जैसे कि आप लोग ये भी देखना कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बीच में क्या वो गैप है, मार्क्स ऑफ गैप क्या जा रहा है। कुछ बच्चों को नए एलोकेशन आए होंगे और कुछ बच्चों के अपग्रेड हुए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अभी भी देख रहे होंगे उनके पोर्टल पे सन्नाटा होगा। तो प्लीज आप लोग पेशेंस रखो। और जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि बहुत ऐसे रियर चैनल्स हैं जो आपके लिए इस तरीके से वीडियोस लाके दे रहे हैं और यहां तक आपका हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपके हर एक समस्याओं को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की एक कैपेबिलिटी रखता हूं एज ऑन माई एक्सपीरियंस। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी जो कमिंग वीडियोस है लाइक वो फ्लो चार्ट वाला, आप लोग सोच रहे हो कि बार बार आप बोल रहे हो कि फ्लो चार्ट वाला वीडियो आएगा आएगा, क्यों पता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लोग खुद एडमिशन में इतने बदलाव कर रहे हैं। जो फ्लो चार्ट में चीजें बताई गई वो सीएससी के मेन प्रोस्पेक्टस से बदला हुआ है। अब क्या गारंटी है कि इनका जो फ्लो चार्ट है वो आपका फाइनली जब कोर्स एलोकेशन लाइव हुआ है तो उस पे एज इट इज फॉलो हो रहा है? तो ये जो बदलाव है ना, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट से बनाता हूं ना कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद कहीं भटकना ही नहीं चाहते होगे। मतलब आप ये मान लेते होगे कि नहीं, नीर सर ने बोला तो एकदम सत्य है, बस इनको सुन लो और फॉलो कर लो। तो मैं चाहूंगा ना कि कोई जल्दबाजी ना करूं मैं। यही कारण है कि मैं बार बार समय लेके वीडियो बना रहा हूं, बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि बराबर बराबर बस वीडियो बना के फालतू कोई चीज कचरा डाल दो। नहीं, आप मुझे देखो ना तो एकदम समझ लो कि एक ऑफिशियल लेवल होता है, एक जस्ट उसके नीचे वाला होता है, तो आप बस मुझे वही समझ लो। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। आइए हम लोग लिस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो इस का राउंड टू अलॉटमेंट पीजी एडमिशन कट ऑफ एनटी स्कोर के बेसिस पे है, जो कि 24 तारीख को आया है, यानी आज आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, और ये लिस्ट भी कहीं देखने सुनने को आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है? अब जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो, ठीक है? ये मैं ऊपर कर रहा हूं लॉ के बच्चों के लिए। देखो यहां पे लॉ का जो कट ऑफ है वो पेड कोर्स के लिए EWS का जा चुका है 197, ST के लिए 128, SC के लिए 163, OBC के लिए 187 और अनरिजर्व के लिए 203। अभी भी 203 पे आपका टिका हुआ है ये लॉ का, ठीक है? प्लीज लॉ के बच्चे जो है वो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक का लॉ का है, ठीक है? ये हो गया लॉ का। अब इसके बाद मैं यहां पे बोलूंगा कि वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें जो बायो स्टैट्स में आते हैं, ठीक है? बायो स्टैट्स के बच्चे ले लें। अब इसके बाद यहां पे हम ले रहे हैं स्क्रीनशॉट एग्रीकल्चर का, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का, देखो, ठीक है? जो कि चलता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में चलता है, तो प्लीज यहां पे उनका कट ऑफ है, आप लोग ले लो। और इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आ गया है यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर का है, ये पूरा एग्रीकल्चर का है। एक बार मैं पीछे से जाके कैमरा पे देख लेता हूं कि आपके लिए वो क्लियर है कि नहीं। हाँ क्लियर है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से एकदम एक बार फोकस करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? क्योंकि जब व्हाइट PPT आता है बोर्ड पे ना तो ये ब्लर हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं ये भी पूरा एग्रीकल्चर का है, ये भी एग्रीकल्चर का। मैं पूरा हट जा रहा हूं, देखो मैं बीच में इसलिए नहीं आ रहा हूं कि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसको देख सको, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे फूड डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी का कुछ बच्चों का अगर होगा, फूड प्रोसेसिंग, ध्यान देना, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अगर कोई है तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं सीधे यहाँ पे एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे देख लो पूरे कॉलेज वाइज स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? जिसका जिसका है वो ले लो, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे भी देख लेना अगर किसी का होगा तो, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का। देखो यहाँ पे इंग्लिश का है, जो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे ये है, ऊपर अरेबिक का है, ठीक है? ऊपर अरेबिक का है, 1, 2, 3, 4 लाइन तक अरेबिक का है, उसके बाद स्टार्ट होता है इंग्लिश, ठीक है? और आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले बसंता कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन का है, EWS का 105 नंबर, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश का, ले लिया आप लोग, ठीक है? यहाँ पे कुछ छूट गया होगा इंग्लिश का तो ले लो, आर महिला PG कॉलेज का, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे, ये भी इंग्लिश का ही है, ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो प्लीज मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरे इंग्लिश का है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है? अभी आ जाते हैं हम लोग नीचे,
प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ये हिंदी का है, जो बच्चे भी हिंदी से हैं प्लीज वो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे भी हिंदी से हैं, देखो यहाँ तक पूरा हिंदी का ही है, ठीक है, एफिलिएटेड का भी है, सबका है। इधर कैटेगरीज दिया हुआ है, उधर आपका मार्क्स दिया हुआ है, सेकेंड राउंड कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ अगर किसी का छूटा है तो आप लोग ले लो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हिंदी का, पूरा हिंदी का ही है। देख लो बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में देखो ये वाला क्या है, कॉलेजेस है। यहाँ पे क्या है आपका जो सब्जेक्ट्स है और वहां पे आपके मार्क्स है, उधर किनारे आपके क्या हुए वो मिनिमम स्कोर है, ठीक है, वो कैटेगरी है उससे पहले, ठीक है, हो गया। चलो ओके, अब इधर हम लोग आ जाते हैं, हिंदी का हो गया। संस्कृत के बच्चे कुछ होंगे, संस्कृत बच्चे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो संस्कृत बच्चे हैं, वहां आपका कट ऑफ दिया हुआ है इस वाले रो में, यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया हुआ है, ये आपके संस्कृत के एफिलेटेड कॉलेजेस एंड कॉलेजेस हैं, ठीक है, पूरे के पूरे पेड एंड ऑफर रेगुलर सबका है। ये हो गया लिंग्विस्टिक का, कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक के होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक के होंगे। और उसके नीचे पूरे देखो AISC लगा हुआ है, देख रहा पूरा AISC लगा हुआ है, ये पूरे कॉलेजेस हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कैटेगरी है, ये क्या है स्कोर है, प्लीज आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके हो गया, यहाँ पे आ जाओ। फिलोसफी देख लो भाई, फिलोसफी का कितना जा रहा है, फिलोसफी का कटा देख लो कितना चला गया है, उधर देखो ना भाई, उधर देखो 65, 85, 37, 55, भाई इतना कम कटा जा चुका है यार, देख लो अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज काउंट करो, एक्चुअली इतना कम कटा जा चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे भी ले लो, कुछ लोग का छोटा होगा, ठीक है। मास कम्युनिकेशन कुछ बच्चे होंगे, देखो कट ऑफ कितना लो हुआ है, आप लोग प्लीज जाके चेक करें। एसटी का मात्र 97, ओनली 97 पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी ऊपर दो दिया हुआ है, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस दिया हुआ है और फिर उसके बाद हिस्ट्री दिया हुआ है। यहां तक के बच्चे जो है वो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, किसका किसका है, ऊपर प्रयोजन मूलक हिंदी, नीचे यहाँ पे है लाइब्रेरी साइंस, उसके नीचे यहाँ नीचे देखो हिस्ट्री का है, ठीक है, नीचे हिस्ट्री का है, मैं ऊपर कर दे रहा हूं, लो हिस्ट्री का पूरा अलग कर दिया। आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है, पूरा हिस्ट्री का है, देखो यहाँ पे पूरा यहां से यहां तक पूरा हिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री का आप लोग ले लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये आ गया, ये देखो ये है पूरा हिस्ट्री का, ये पूरा हिस्ट्री का है, पूरा यहाँ पे हिस्ट्री है, ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, DAV है आपका, उसके नीचे पे महिला महाविद्यालय, उसके रेगुलर और पेड है, ये कैटेगरी है और मार्क्स है, अपना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग का छूटा होगा, कुछ लोग का छूटा होगा, बसंता वगैरह आ गया है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से हिस्ट्री का देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ध्यान देना ऊपर हिस्ट्री है, नीचे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, नीचे पॉलिटिकल साइंस है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैच कराना। अच्छा कुछ लोग मुझे बोलेंगे ना कि सर आपका सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड कट ऑफ का जो लिस्ट है वो कहाँ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करो, एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर मैंने डाल दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे कॉलेजेस है, ध्यान देना यहाँ पे आपका कैटेगरी है, मार्क्स है, देख लो जल्दी से, ठीक है, ओके। आ गया मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉलिटिकल साइंस का ही है, ये पूरे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो मार्क्स है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, ऊपर कर दिया, अभी नीचे कुछ लोग का छूटा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैच करा लो आराम से बैठ के, आराम से मैच कराओ, कंपेयर करो कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कटा पे कितना गैप आ रहा है, आगे एडमिशन पॉसिबिलिटीज मिल सकती है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं लाइव आऊंगा रात में, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइव आऊंगा और डिस्कस करूंगा प्रॉपर वे में कि फाइनली कट ऑफ अभी कितना डाउन हो सकता है, क्योंकि देखो अभी सेकेंड राउंड में कट ऑफ डाउन हुआ है, सेकेंड राउंड में अभी हमारे पास टोटल 4 राउंड रिमेनिंग, वी हैव रिमेनिंग पॉपअप मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड, मतलब एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बहुत है। ये सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, ध्यान देना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहां से लो पहले, ठीक है, ले लिए, अब यहां से ले लो, ठीक है, यहां से ले लिए, ओके। ये भी पूरा सोशियोलॉजी का ही है, पूरे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उधर वो है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे अगर कुछ होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी है, नीचे भी अभी आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे कुछ होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लो यहाँ पे देखो आ गया, ये पूरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से मैच कराते रहो, जो बच्चे भी हैं ये अपने दोस्तों भी वीडियो शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी पता चल जाए, ये पूरा इकोनॉमिक्स का यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये ले लो, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का ही है पूरा, यहां तक पूरा इकोनॉमिक्स का है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एमकॉम, अगर बच्चे एमकॉम के हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, देखो यहां से पूरा एमकॉम का, ठीक है,
ये पूरा ऊपर एमकॉम का है, मैं हट जा रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी सॉरी पीजी का सर क्या बोलते हैं डीएवी का, ठीक है देखो यहाँ पे डीएवी का है, और नीचे जाऊंगा तो और भी कॉलेजेस मिलेंगे। देखो यहाँ पे पूरा मास सॉरी कॉमर्स का है यानी एमकॉम का है, ठीक है पूरा स्क्रीनशॉट ये कॉमर्स का है, ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये पूरा का पूरा यहाँ तक कॉमर्स का है। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे कुछ अगर बच्चे फॉरेंसिक साइंस से या फिर कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन से अगर आते हैं तो प्लीज ये बच्चे यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए एग्रो फॉरेस्ट्री और यहाँ पे ऊपर देखो फिजिक्स है, इतने में फिजिक्स है और इतने में केमिस्ट्री है, मतलब यहाँ पे फिजिक्स बच्चे पूरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री वाले तीन ले ले, और यहाँ पे केमिस्ट्री के बच्चे देखो यहाँ से ले ले पूरा, ये केमिस्ट्री है यहाँ से पूरा ले लो केमिस्ट्री का बच्चा जो है, ठीक है ले लिया ओके। यहाँ पे नीचे देखो ये जियोलॉजी है, जियोलॉजी है यहां तक, ये जियोलॉजी है ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लिए। अभी यहां पे जियोलॉजी और है, यहां पे ऊपर देखो चार जियोलॉजी है ऊपर, ठीक है चार जियोलॉजी है ओके। एक मिनट कट तो नहीं गया, रुक जा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कट जाएगा, मैं छोटा कर देता हूं, एक पॉइंट छोटा कर देता हूं, ठीक है हाँ अब दिख रहा है। यहां पे जियोलॉजी है और उसके नीचे बॉटनी है, देखो ये लगातार है जियोलॉजी जियोलॉजी एंड बॉटनी, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, बच्चे अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा ऊपर कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री का है इतना, ये पूरा बायोकेमिस्ट्री का है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है ये रहा, ये बायोकेमिस्ट्री है ऊपर। तो फिर यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ध्यान देना अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कट ऑफ अभी भी हाई है, अभी भी 221 167 205, देखो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का अभी भी हाई है, ठीक है ओके। एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है यहाँ पे ले लो, ठीक है यहाँ पे अंडर बॉटनी डिपार्टमेंट जो चलता है, यहाँ पे जियो फिजिक्स का है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नीचे लगा हुआ है, सीएस का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जियो फिजिक्स का यहाँ पे, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा आप लोग का, ये रहा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मास्टर ऑफ साइंस महिला महाविद्यालय, ध्यान देना ये। अब देखो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नीचे देखो पूरा होम साइंस का है, ये जितने भी बच्चे होम साइंस के हैं या लड़कियां लड़के, प्लीज होम साइंस का ये देख लो कटऑफ कैसे डाउन हो रहा है भाई, 15 नंबर पे एडमिशन कहाँ मिलता है भाई वसंता में, 15 नंबर 17 नंबर पे एडमिशन वो भाई 16 नंबर पे एडमिशन, देखो एकदम लूट रहा है एडमिशन, जाए भाई ले लो आराम से। होम साइंस को मैं स्टार्टिंग से बोला था कि भाई होम साइंस के बच्चे परेशान मत होना, जब आपका टॉपर ही 150 में है तो आपको एडमिशन तो मिलेगा ही। ये मैथमेटिक्स वाले हैं, ये मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है प्लीज आप लोग चाहो तो ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा ऊपर तीन मैथमेटिक्स, नीचे स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइकोलॉजी, चलो साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, साइकोलॉजी स्क्रीनशॉट लो भाई पूरा साइकोलॉजी कटा थ्रो, हम भी देखना चाहेंगे साइकोलॉजी का, अभी भी टॉप, ओ माय गॉड अनरिजर्व डीएवी में 262 262, भाई साइकोलॉजी का क्या कटाफ जा रहा है, रुको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है ऊपर देखो, ये देखो साइकोलॉजी का कटाफ अभी भी 235, कहां 16 17 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, कहां 261 पे एडमिशन हो रहा है, 62 पे एडमिशन हो रहा है, ये है साइकोलॉजी का क्रेज, देख रहे हो साइकोलॉजी का क्रेज, कटाफ देखो भाई कटाफ देखो, उधर कटाफ देखो, देख रहे हो वो लेवल, देखो लेवल ऑफ कटाफ देखो, मार्क्स देख रहे हो, ओ माय गॉड क्या क्या हाई कटाफ बन रहा है, 226 216 230 266, बाप रे बाप। एसटी कैटेगरी थोड़ा सा डाउन हुआ, 80 पे गया हुआ है, बाकी कैटेगरी देख रहे हो, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट नहीं होंगे ना। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे साइकोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी, ऊपर साइकोलॉजी है, ध्यान देना ऊपर देखो ज्योग्राफी साइकोलॉजी है थोड़ी देर तक वहां तक, ठीक है यहां तक देखो साइकोलॉजी है, फिर यहां से ज्योग्राफी शुरू होता है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर और कर दे रहा हूँ, ये लो ज्योग्राफी, ये पूरा ज्योग्राफी है, ऊपर कुछ चला गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है कुछ बच्चे होंगे। अब लैंग्वेज में आ जाओ, बीएड बच्चे आ गए, अब बीएड वाले देख लो भाई, जो बच्चे बीएड का बार बार मुझे मैसेज करते हैं, जिनके मैसेज आते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ये है बीएड लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है अभी ऊपर कर रहा हूं, और भी देख लो आप लोग, ये पूरा बीएड है, आप देख लो बीएड लैंग्वेज, यहां तक पूरा बीएड लैंग्वेज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर ओबीसी अनरिजर्व, ध्यान देना इसमें आपका बस C1 ही चलता है, क्योंकि बीएड क्या है, बीएड नॉन बीएचयू कोटा कोर्स है, ये यूजी में आता है, यही कारण है एमएड आता है पीजी में, इसीलिए C1 चल रहा है, ठीक है ये देखो पूरा बीएड है, पूरा C1 है, ओनली C1,
ये साइंस का है, ठीक है, साइंस का है। अभी हम स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे देखो मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का है। कट ऑफ अपने आप में अभी भी सही जा रहा है, मतलब बैलेंस है इसका, ना ज्यादा ना कम। ये मैथमेटिक्स अब ह्यूमैनिटीज का स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ह्यूमैनिटीज का लगाता हूँ। यहां से देखो ह्यूमैनिटीज, ये पूरा ह्यूमैनिटीज है, ये पूरा ह्यूमैनिटीज है, जल्दी से देख लो, ये पूरा ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, देख लिया, ठीक है, ह्यूमैनिटीज देख लिया। ये यहाँ पे कुछ बच्चे अगर एजुकेशन के होंगे तो प्लीज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये एजुकेशन का है यहाँ पे, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी कुछ एजुकेशन के हैं, मैं हट जा रहा हूँ, ले लो। यहाँ पे सोयल साइंस के बच्चे कुछ होंगे, ठीक है, सोयल साइंस के कुछ, एंथ्रोपोलॉजी के होंगे, यहाँ पे देखो ये एंथ्रोपोलॉजी का है, ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी का है, ये ऊपर यहाँ पे IRDM का भी है, कुछ बच्चे IRDM वाले होंगे, ध्यान देना IRDM का, मैं भी देखना चाहूंगा कितना जा रहा है, सही है कटा, सही जा रहा है, उतना हाई नहीं है, ठीक है। ये है इन्वायरमेंटल साइंस, बच्चे कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के होते हैं, ये नीचे इन्वायरमेंटल साइंस का पढ़ा हुआ है, और भी नीचे होगा, यहाँ पे देखो पूरा इन्वायरमेंटल साइंस है, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ तक पूरा इन्वायरमेंटल साइंस है, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके बड़ा सा खूब देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो हेरिटेज मैनेजमेंट का, ठीक है, हिंदू स्टडीज का कटाव अभी भी देखो टॉप में है, अभी भी हिंदू स्टडीज का कटाव देख लो कितना हाई है, स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदू स्टडीज का ले लो। उसी के नीचे है आपका, उसी के नीचे है, उसी के नीचे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई कोर्स है, ध्यान देना बच्चे अपना देख लेंगे, कोड है इसका 722, ठीक है। उसी के नीचे जेंडर स्टडीज का है, जेंडर स्टडीज का है। डेरी टेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन डेरी टेक्नोलॉजी का, डेरी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे फिलोसफी IPR का, ठीक है, फिलोसफी IPR का देख लो, ये फिलोसफी IPR का है। अभी LLM का आ गया, ठीक है, LLM का चुका है कटाफ यहाँ पे, ये पूरा LLM का है यहां से यहां तक, प्लीज ये बच्चे पूरा LLM के जो है स्क्रीनशॉट ले लें और अपना आराम से मैच करा लें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे BEd स्पेशल वाला जो नहीं है, स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज वाला, ये देखो कोर्स आ गया, इस पे पढ़ो और आराम से अपना कटाफ चेक करो, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर कर दिया, यहां तक ले लो, ये पूरा का पूरा जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ये कट ऑफ फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो, कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट में चेक करो, एक ग्रुप है CUT हेल्प डेस्क, उसे ज्वाइन करो, एक इंस्टा आईडी नीट दर्शन, वहां फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम रखो। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो हो सकता है मॉर्निंग तक आ जाए, कि फाइनली जो जो आइकन आपके डैशबोर्ड पे आ रहा है उसे कैसे एक्टिव करना है, कैसे उसे टच करना है। अभी पोर्टल पे कोई छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो कोर्स कब लॉक हो जाए, कब फ्रीज हो जाए, कब अपग्रेड में जाए ना जाए, कब पेमेंट डेट, ये तमाम चीजें जो है आपको नहीं पता है, जब तक पता नहीं है छूना मत, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसको देखना, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। Oh my God.